पत्रिका.com आज एक ऐसी जगह पर है जो लोगों के सवालों का जवाब देने का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। महाभारत हुई थी या नहीं हुई थी, इसके ऊपर तमाम तरीके के लोगों ने अपनी अपनी बात कही है, लेकिन महाभारत हुई थी इसके प्रमाण मौजूद हैं। पत्रिका.com इस समय मौजूद है उस स्थान पर जहां बैठकर वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश से महाभारत को लिपिबद्ध करवाया था। जी हाँ, यह है हिंदुस्तान का अंतिम गांव बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर माना गांव। यहाँ एक गणेश गुफा है। इस गणेश गुफा में बैठकर गणेश जी ने पूरी महाभारत को लिपिबद्ध किया था और उसके ऊपर है व्यास गुफा। वेद व्यास जी ने स्वयं बोलकर वो सारी की सारी महाभारत को लिपिबद्ध कराया था। दोनों प्रमाण मौजूद है, व्यास गुफा भी और गणेश गुफा भी। भारत के अंतिम गांव, इसके बाद शुरू हो जाती है चीन की सीमा और यह है माना गांव। माना गांव में गणेश गुफा, जी हाँ, ये वही गणेश गुफा है जहां वेदव्यास जी ने बोला था और गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध किया था। इसी गुफा के अंदर वेदव्यास जी बोलते गए और गणेश जी महाभारत लिखते गए। सदियों सदियों पुरानी यह गणेश गुफा है। बद्रीनाथ आने वाला प्रत्येक यात्री कोशिश करता है इस गणेश गुफा के दर्शन करें। सर्दी के दिनों में यहाँ पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाता है। कुछ ही महीनों के लिए यह गुफा खुलती है दर्शनों के लिए। माना गांव से गणेश गुफा, पत्रिका.com के लिए विक्रम शर्मा की रिपोर्ट।